इस बात को याद रखिएगा कि जिस देश में हत्यारों का गाना गाया जा रहा है उस देश में महात्मा गांधी पैदा हुए हैं, और महात्मा गांधी ने जिस पार्टी को बनाया है, जब तक वो पार्टी जिंदा रहेगी तब तक आप इंसान को इंसान से नहीं लड़ा सकते हैं। हम बोलते रहेंगे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम यह तराना गाता रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और जब आज हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कि हैं तैयार हम, तो किस बात के लिए तैयार हैं हम? हम तैयार हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, हम तैयार हैं इस देश की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए, हम तैयार हैं इस देश में कमर तोड़ महंगाई को समाप्त करने के लिए, हम तैयार हैं इस देश के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए, हम तैयार हैं महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को समाप्त करने के लिए, हम तैयार हैं आजाद देश में आजादी की रक्षा के लिए हम तैयार हैं, यह हमारा संकल्प है। और जब हम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं तो एक चुनौती भी हम लोगों को समझना पड़ेगा भाइयों। चुनौती ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक अनुभव हुआ होगा कि जब आप किसी पॉकेटमार को ट्रेन में पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लेंगे तो पॉकेटमार इतना चालाक होता है कि वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? आज हमारे साथ इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू की पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि हमने चोर को चोरी करते हुए फिर से पकड़ लिया है। हमने इनको अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखा था तो जो चाय बेचने की बात करते थे हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। और जब हमने उनको देश को रंगे हाथ बेचते हुए पकड़ लिया है तो पॉकेटमार को जब पकड़ लीजिएगा तो वो चोर चोर चिल्लाने लगेगा। वो कहते हैं कि कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार लेकर के आई। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, आज आप कांग्रेस के नेताओं के घर पे ईडी भेजते हैं, परसों जयशाह के पिताजी से वही कांग्रेस का नेता अगर फोन पे सेटिंग कर ले तो वो ईडी जो है अपना रास्ता कैसे भूल जाती है, वो पता कैसे भूल जाती है? इसका मतलब ये है कि जो पार्टी देश की पार्टी है उस पार्टी को देश के आम लोगों के नजर में बदनाम किया गया है। और देश के आम लोगों के नजर में इसलिए बदनाम किया गया है कि अगर आप कांग्रेस के प्रति अपनी भावना छोड़ देंगे तो देश में कोई आपकी बात करने वाला नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इस मंच से मैं आप तमाम लोगों से एक बात की अपील करना चाहता हूं कि हे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जब आप चाय की दुकान पर बैठते हैं, जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, जब आप बसों में चलते हैं, जब आप खेतों में चर्चा करते हैं, दफ्तरों में चर्चा करते हैं, तो एक बात को याद रखिएगा कि सामने वाला जब आपको जलील करता है ना, तो वो आपको जलील करने से पहले अपने माँ बाप को जलील कर रहा होता है, अपने पूर्वजों को जलील कर रहा होता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश का इतिहास है, वर्तमान है और इस देश की आम आवाम का भविष्य है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि दलितों को और ब्राह्मणों को बराबरी का वोट का अधिकार मिला। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का वोट का अधिकार मिला। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि राजे राजवाड़ा का वोट भी एक और नाली में उतर करके गटर साफ करने वाले का भी वोट एक, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित करके आई। मैं कहता हूं कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग आज संसद में खड़ा होकर के गालियां देते हैं, याद रखना मेरे दोस्त, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो झूठ ही सही तुम ये बात आज बोल नहीं पाते कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।
कांग्रेस का इतिहास यह है कि हम इस देश की आम आवाम के लिए लड़े थे, लड़े हैं और लड़ेंगे। इसीलिए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने 50 साल के राजनीतिक इतिहास में एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक इतिहास, यह है इस देश का इतिहास। इसीलिए आप तमाम कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो देश की हालत है, जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से हर घंटे नौजवान आत्महत्या कर रहा है, इसीलिए हमको इस संकल्प के साथ चलना पड़ेगा कि ये हमारी कांग्रेस है, हम सबकी कांग्रेस है, यह हमारा देश है, हम सबका देश है, और इसको बचाने के लिए अपने शरीर के आखिरी खून के बूंद तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप बताइए, चुनावी हार जीत अपनी जगह पे है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं? अगर आप तैयार हैं तो आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारी रगों में उन पूर्वजों का खून बहता है जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई थी। जब हमारे पुरखे अंग्रेजों की टैंक से नहीं डरे, जब हमारे पुरखे बलिदानियों का इतिहास बनाया, जब हमारे पुरखे फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, तो तुम एक बात जान लो भाई, तुम्हारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ईडी और सीबीआई, उससे हम घड़ी घंट नहीं डरने वाले हैं। आप लोग डरने वाले हैं क्या? तो इस देश की बचाने की लड़ाई में सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए, और इस देश के हर आवाम को बराबर के आत्मसम्मान के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम पूरी तरह से संघर्ष करेंगे तो आखिरी अपील के साथ, आखिरी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज भी गांधी को अपने दिलों में बसा करके सड़कों पे निकल जाए, तो इनको हम सिर्फ हराएंगे नहीं बल्कि एक नए भारत का, भारत के सपने का निर्माण करेंगे। आज एक नारा लगाया जाता है, कहा जाता है राज तिलक की करो तैयारी। अरे डेमोक्रेसी में राज तिलक कब से होने लगा रे? ये तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में राजा पैदा होता है कि सेवक पैदा होता है? सेवक का राज तिलक होता है। आजकल नए किस्म के सन्यासी पैदा हो रहे हैं साहब, ये लोग हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारी परंपरा का, हमारी पहचान का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक कैसे उड़ा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये धरती है संत तुकाराम की, ये धरती है गाडगे महाराज की, ये धरती है शिवाजी महाराज की, ये धरती है साहू जी महाराज की, ये धरती है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, अन्ना भाऊ साठे की, महात्मा फूले की, सावित्री बाई फूले की। इस धरती पे लोक संस्कृति, लोक परंपरा ये है कि इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की धरती की पहचान है भगवा क्योंकि महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा क्योंकि जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, 18 साल 20 साल का मराठी नौजवान अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तान कर खड़ा था, और हमारे झंडे का रंग है भगवा। आज मैं आपको याद दिलाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी राज तिलक करने से कुछ लोगों ने मना कर दिया था, इसीलिए उनको लोकनायक कहा जाता है, उनको क्रांतिवीर कहा जाता है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, हमारे संविधान की व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया है कि रोहित भाई का भी वोट एक होगा और आप सब लोग जो नीचे बैठे हुए हैं ना, आपका भी वोट एक होगा। यह हमारे संविधान की ताकत है, यह हमारे संविधान की ताकत है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यह इस जमहूरियत की ताकत है।
और इस जमहूरियत की ताकत की भाषा बदली जा रही है, इसकी तस्वीर बदली जा रही है, इसकी तकदीर बदलने की कोशिश की जा रही है। कैसे? हमारे आपके आंख में झूठ झोंक करके। और यह झूठ झोंका कैसे जाता है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूं। मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि बेटा तालाब की तरफ मत जाना, उधर जो पीपल का पेड़ है उस पर भूत रहता है। मैं सुनता रहा। मैंने एक दिन दादी से पूछा, दादी भूत देखी हो? बोली नहीं। तुमको कौन बताया? तो दादी बोली कि मेरी सास ने बताया कि उस पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। हमने कहा तुम देखी कभी नहीं? बोली नहीं, हम कभी नहीं देखे कि उस पे भूत रहता है। तो हम बोले कि हम आज जाकर के देख लेंगे भूत है कि नहीं है। तो दादी बोली पागल हो, जो गया है सो लौट कर नहीं आया है। हमने कहा कौन गया है? बोली ये तो हमको याद नहीं है कि कौन गया है। मैं सोचता रहा, बचपन बीत गया, जब जवान हुआ तो मैं गया तालाब की तरफ उस पीपल के पेड़ को देखने के लिए। ना तालाब बचा था ना पेड़ बचा था, बस भूत की याद बची थी। इस बात से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज दिन भर टीवी हमारे साथ साजिश क्या रचता है। यूक्रेन का चर्चा करेगा, उधर इजराइल का चर्चा करेगा, उधर जो है कभी पाकिस्तान का, कभी नेपाल का, कभी चीन का। यह नहीं बताएगा कि ये बगल में जो केंद्रीय वर्धा विश्वविद्यालय है ना, हिंदी विश्वविद्यालय, उसमें टीचर कितने हैं, उसमें लाइब्रेरी है कि नहीं है, उसमें पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। वर्धा में जो स्कूल है उस स्कूल में टीचर है कि नहीं है, टीचर को वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, आंगनवाड़ी के केंद्र में बच्चे पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं, आंगनवाड़ी की सेविका को मानदेय मिलता है कि नहीं मिलता है, जो आपके आस पड़ोस में दुकानदार है उसको कितनी आमदनी हो रही है, जीएसटी से उसका भला हुआ है कि बुरा हुआ है, नोटबंदी के बाद काला धन आया है कि नहीं आया है, यह कोई सवाल नहीं बताया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि यह कहानी ऐसी है ना कि हम दिन भर इस कहानी में उलझे रहेंगे और असली सवाल जो है हम कभी पूछेंगे ही नहीं। मेरा एक बड़ा जिगरी भाजपाई दोस्त है, नहीं वो भाजपा के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक दिन हम सीरियसली पूछे, क्या अच्छा एक बात बताओ क्यों दिन भर भाजपा भाजपा करते हो? तो बोला देश का नाम हो रहा है। हमने कहे कहां, कोई आंकड़ा तो दो। तो बोला नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम बोले कैसे, ये बताओ तो हमको, हम भी मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे, समझा तो दो कि हमको तरक्की हो कैसे रहा है। कहा कि हम जो है चांद पे चले गए। तो हम बोले मोदी जी चले गए। जो लोग ये कहते हैं कि बिल्ली के का रास्ता काटना अशुभ होता है, उनकी सोच से थोड़ी चांद पे पहुंचे हैं, उस सोच से चांद पे नहीं पहुंचे हैं। चांद पे इस सोच से पहुंचे हैं कि हम सत्य की खोज करेंगे। और सत्य क्या है आज हमारा? सत्य यह है कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होती जा रही है, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है, पीएम अपने बेटा को पीएम बनाना चाहता है, डीएम अपने बेटा को डीएम बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बच्चा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एमएलए अपने बच्चा को एमएलए बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। बोलिए सच है कि नहीं है? क्यों क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस देश में आंकड़ा यह कहता है कि अगर आप किसानी करेंगे तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, अपने ही खेत में अपनी ही पेड़ पे लटक करके आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आंकड़ा कहता है, आप महाराष्ट्र के नौजवानों की आत्महत्या की बात कर रहे थे, मैं आपको देश का आंकड़ा देता हूं। इस देश में एक घंटा से कम समय में, सिनेमा भी 3 घंटे का होता है, क्रिकेट मैच भी 5-6 घंटा चलता है,
आप गर्लफ्रेंड से बतियाइएगा क्या साहब, तब भी आप एक घंटा ज्यादा बतिया लीजिएगा। और एक घंटे से कम समय में घड़ी देख लीजिए अपना, जब से ये सभा चलनी शुरू हुई है अब तक इस देश के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई नौजवान अपनी जान ले चुका होगा। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि इस देश में रोज कम से कम 25 नौजवान आत्महत्या करते हैं रोज। ये चिंता की बात नहीं है। जिस देश में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हों, रोज 25 जवान आत्महत्या कर रहे हों, हर मिनट किसी ना किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा हो, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता हो, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती हो, नौकरी करने के बावजूद आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है, ना पीएफ मिल रहा है, ना ग्रेच्युटी मिल रही है, ना पेंशन मिल रहा है। यहां खड़े हैं, पेंशन मिलता है कांस्टेबल साहब? मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलिए ना, डर कह रहे हैं, अमित शाह थोड़ी देख रहा है, बोलिए। आप सोचिए इस बात को कि जो नौकरी करता है वर्दी पहन करके दिन रात, पार्टी किसी की हो, अपक्ष हो, विरोधी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, टोपी पहन करके डंडा लेकर के ड्यूटी में खड़े हैं, इनको पेंशन नहीं मिलेगा। ये बेईमानी है कि नहीं है? यह बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और जब आप टीवी खोलिएगा ना तो नाम हो रहा है कहां। आप अपनी हकीकत खुद से क्यों नहीं पूछते हैं? मेरे पिताजी कांग्रेस राज में मजदूरी करके घर बना सकते थे, हम भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी हालत है। सरकारी स्कूल आप ये कह करके बंद कर दिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी अस्पताल आपने ये बंद कर दिया कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। मेरा एक प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी बिजली नहीं होना चाहिए, सरकारी पानी नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोलक बजाएंगे? क्यों होता है सरकार? मैं आपको बताता हूं कि आमदार साहब को भी पेंशन और तनख्वाह हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही मिलता है, और कांस्टेबल साहब को भी तनख्वाह और पेंशन हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही मिलेगा। तो सरकार जो ये बेईमानी हमारे आंख के सामने कर रही है, इस बेईमानी को हमको देखना पड़ेगा। सरकार कहती है कि हम किसानों के खाते में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, पिछले लगातार कई महीनों से सरकार ने जो किसानों को, शेतकड़ियों को किसान सम्मान निधि दिया है उसमें दिया है 2,60,000 करोड़। और एक झटके में इस देश के जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े धन कुबेर हैं, उनका जो कर्जा माफ किया गया है वो है 10,60,000 करोड़। बारे कमाल, किसान को देने के लिए 2,60,000 करोड़ और बेईमान को देने के लिए 10,60,000 करोड़। हाय रे बेईमान,